हेलो फिल्मी दुनिया वालों ने एक टुकड़ा गाया कौन था कौन था क्योंकि सुबह का टाइम है अरे कोई साखी सहेली चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके गटरी उठाए राधा श्याम से अरे राधा श्याम से मिलने जाए भोर भय भोर भय सताए मोरी चुनरिया लिपटी जाए मैं का करूं हाय राम हाय की बात है कोई सीखे तो सिखाए अंग्रेजी का सैर सपाटा पाए पाए करो टाटा अंग्रेजी का सैर सपाटा पाए पाए हलो टाटा अरे ना फरमाए हमें ना फरमाए मातृभाषा को अरे मातृभाषा को ये शीस झुकाए क्यों अंग्रेजी की भाषा में मत भरमाइए अपनी हिंदी मा
देती है, सुनिए। अरे ना भर माए मातृभाषा को शीश झुकाए, हिंदी हमें अनपढ़ से, ये जो हमारी मातृभाषा हिंदी है ये हिंदी हमें अनपढ़ से, सुनो ज्ञानी आन बनाए, क्योंकि हिंदी शुरू होती है छोटा आ से, और छोटा आ का मतलब है आ से अनपढ़, और अगर जाके खत्म होती है तो क्या से ज्ञानी बना देती है। हिंदी हमें अनपढ़ से, अरे सुनो ज्ञानी आन बनाए, ये अंग्रेजी से वो खिलाए, अंग्रेजी से वो खिलाए, पर मानव पशु बन जाए। अंग्रेजी माना कि ये फॉर एपिल होता है, लेकिन जब उसका अंतिम अक्षर आता है तो जेड फॉर जेब्रा होता है, और जेब्रा माने होता है नीलम जी चित्तीदार घोड़ा, घोड़ा मतलब शुरुआत में तो एप्पल खिला दिया, लेकिन बाद में उसने घोड़ा बना दिया। उसने निवेदन करता हूँ अपनी मातृभाषा को हमेशा सर झुकाइए, अंग्रेजी से वो खिलाए, और ये मानव पशु बन जाए, तो हिंदी हमें अनपढ़ से, जी। वास्तविकता यह है कि मैं आज खुद आनंदित हो रहा हूं, एक नहीं दोनों कलाकार बहुत ही सुरीले अंदाज में आज गा रहे हैं, इसकी हमें बेहद खुशी है। सुनने वाले भले ही आज कम हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हैं। हालांकि कलाकार जब देखता है भीड़ में गाता है ज्यादा खुश होता है, लेकिन असलियत ये होती है कि जब भीड़ होती है तब भी सुनने वाले इतने ही होते हैं, उस भीड़ में भी सुनने वाले इतने ही लोग होते हैं, बकाया तो भीड़ होती है। तो जो सुनने वाले उस भीड़ में होते हैं वो भीड़ के साथ कुछ डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन इतने ही सुनने वाले होते हैं, अब इतने ही बैठे हैं, तो आप मान के चलिए कि भीड़ ही है, कचरा साफ हो गया, केवल सार सार रह गया है। आज जी बिल्कुल सत्य है, भीड़ में कहीं को आएगी ये सुनाओ वो सुनाओ, लेकिन आप लोग जिस शांति के साथ सुन रहे हैं, मैं आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। बढ़िया अभी सुंदर कार्यक्रम सुन रहे थे, एक से कठिन प्रहार हो रहे हैं एक दूसरे पर, अगर उधर से 370 आया, इधर से घुंघरू बांध मीरा नाची रे, उन्होंने एक प्रहार छोड़ दिया सिंहावलोकन से, अगर उन्होंने सिंहावलोकन दिया तो मुकेश जी ने भी एक बड़ा कठिन सिंहावलोकन दिया है, आधे में पुणे आधा, आधा और आधे से फिर आधा, कठिन है मामला, और उसमें भी आपके तीनों अंतरे सिंहावलोकन से बंधे हुए हैं। नीलम जी के लिए कठिन है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी एक हमारे एक मित्र हैं शुक्लागंज में, हमारे संजय भैया भी थे, 370 की चर्चा वहाँ भी चली, उन्होंने बताया कि जब 370 धारा हटाई गई, जेल में आसाराम जी बहुत उछले, लोगों ने पूछा कि आसाराम जी आप क्यों उछल रहे हैं, बोले बस धीरे धीरे सरकार हमारे पास आ रही है। कहा वो कैसे, बोले अभी 370 हटाई है,
अब थोड़ा आगे हट जाएंगे बढ़ेंगे तो हो सकता है 376 भी हट जाए। ये आपस में विनोद होता रहता है। बात कुछ सार पर पहुंच रही है, प्रातःकालीन वेला है। हिंदी भाषा हमें अनपढ़ से ज्ञानी बनाए, ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। आज से हिंदी शुरू होती है और ज्ञा पर खत्म होती है। अनपढ़ और ज्ञानी का मेल अच्छा मेल है, धन्यवाद है। हालांकि परिवर्तन बहुत है समाज में। मैं ज्ञानी जमाने क्या नाम नीलम जी को आमंत्रित करूं, इसके पहले चार पंक्तियां एक हमारे उत्तर प्रदेश के ही बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी चार पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। एक खास बात ये देखी है दोनों कलाकारों के बीच, आज पूरी रात में कभी किसी दौर में किसी प्रकार से जो कटाक्ष हुआ एक दूसरे पर, वो कहीं अमर्यादित दिखाई नहीं दिया। चर्चा मुकेश जी कर रहे थे, क्योंकि भुक्तभोगी हैं, कि कीर्तन अब थाने तक पहुंचने लगा है। थाने तक पहुंचने वाला कीर्तन और होगा, लेकिन मैं जानता हूं जो संस्कारित कलाकार हैं वो मंच में संस्कारित बात करते हैं। कभी थाने तक पहुंचने की बात तो दूर, पंचायत तक बात नहीं आनी चाहिए। वह कीर्तन है जो आज हो रहा है। एक कवि ने लिखा है कि अब कोई ऐसा अभियान चलाया जाए, कोई ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें आदमी को केवल आदमी बनाया जाए, दुश्मन नहीं, आदमी को केवल आदमी बनाया जाए, एक दूसरे की चाहत का असर हो इतना कि एक रहे भूखा तो दूसरे से भी न खाया जाए, एक रहे भूखा तो दूसरे से न खाया जाए। लेकिन स्थिति ऐसी है नहीं, स्थिति तो बदल रही है इस तरह से कि आज हम वरदान को अभिशाप समझ बैठे हैं। सामने पुण्य है मगर उसको पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही कहा करते थे, लेकिन आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। क्यों? कि बदलते दौर में कैसा ये वक्त आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। बदलते दौर में कैसा ये वक्त आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनके बोलने पर लगाते बंदिश, आज हम उनके बोलने पर लगाते बंदिश जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। आइएगा नीलम जी, मैं आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम को इसी सभ्यता के साथ, इसी रस के साथ आगे की ओर ले चले। प्रातःकालीन वेला है और थोड़ा एक घंटे का काम रह गया है। मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ पूरा समय दिया है, बस एक घंटे का समय और दीजिए, कीर्तन विराम की ओर पहुंचने वाला है। आइए नीलम जी, साधुवाद, धन्यवाद। हेलो, हेलो जी, हेलो। बहुत सुंदर चक्र अभी सुन रहे थे आप लोग। हाँ हाँ। हमारे शमानी भैया मुकेश भैया जी से। बिल्कुल बेटा, सुबह की वेला है। हाँ। सुंदर सा कार्यक्रम सुना है। क्या बात है। पहले पग घुंघरू बांध मीर नाची। हाँ हाँ। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ईश्वर कृपा से निपटे जैसे कैसे। अब जो सवाल आया है वो आधा आधे में से आधा ना बेटा, बार बार कह रहे हैं बड़े भैया कि कीर्तन थाने तक जाने लगा है। ओहो। ये काम करोगे तो थाने तक तो जाएगा ही बेटा, हम राजीनामा भी नहीं देंगे। आधा मतलब सुबह का टाइम है, कटपीस भी मजबूत, गीत भी मजबूत, अब 5 मिनट में सवाल क्या जवाब निकालना है। और कोशिश अच्छी है और आशा कर रहे हैं कि थाने तक न जाएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश। अरे भैया
सुंदर गीत है, आइए प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से, क्योंकि ज्यादा बोलचाल वो लोग करते हैं जिन्हें केवल बोलना ही आता है। बिल्कुल, सभी लोग जानते हैं मुझे बोलना ज्यादा आता नहीं। ना बेटा, आया है कौन सा? भोर भय पन घट पे राग का समय है। क्या बात, क्या बात? मैं ना मिलूं डगर में ज्ञानी बनाए। सामान्य बड़े भैया बहुत अच्छा कट पीस है, वास्तव में इसमें आपकी दशा धड़कती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपके अंतरात्मा में चल रहा है, अनपढ़ से ज्ञानी पढ़ाए, कोई हमें थाने तक ना ले जाए, बस केवल मंच से ही गवाए, अनपढ़ से ज्ञानी बनाए। शाबाश शाबाश, बहुत ज्ञानी हो गए बढ़िया। अपनी ओर से जब आपने वर्णमाला का प्रसंग छेड़ दिया है, सब जाने बिना बताए जियो मेरे लाल। हाँ हाँ, क्या बात है।
सब जाने बिना बताए हिंदी सबको समझाए हिंदी सबको सुहाए वेद पुराण में ये पाई संस्कृत हिंदी पाई वेद पुराणों में भी पाई है वेद पुराणों में है पाई हिंदी संस्कृत कित गाई तो वेद की वाणी सबके मन भाए कि वेद पुराण कि वेद की वाणी हिंदी सबके मन को भाए आशीष के आसे अमर रहे जग ज्ञान ज्योति को जलाए और भैया वो 51 सत्यपीठ निकले क्या बात है तो उन्हीं से एक एक वर्ण निकला है वाह ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हिंदी वर्ण से माता है आए हिंदी वर्ण से माता हो से माता से आए जो सबके है मन को भाए जो हिंदी शब्द निकला बड़े भैया वर्णमाला आए हैं वो 51 पीठ बने तो उनमें से एक एक शब्द निकला आई ऊ कहना पड़ा हिंदी वर्ण माता से है आए ये वर्ण तो हिंदी वर्ण माता से है आए जो सबको है ये भाए तो हिंदी सबको ही ये सुहाए सब जाने बिना बताए ज्ञान की देवी है माता सरस्वती और ये माता से ही